हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या इस साल एमएसटी सीईटी के जो कट ऑफ्स है वो बढ़ सकते हैं या फिर कम हो सकते हैं। साथ ही में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का भी यही पूछना है कि इस साल का जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं लगा है, तो क्या हो सकता है कि जो कट ऑफ्स है वो कम हो जाए एंड कम परसेंटेज में हमें अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे हमें ये समझ में आएगा कि इस साल के जो कट ऑफ है वो कम होंगे या फिर बढ़ेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। कट ऑफ बढ़ेंगे या फिर कम होंगे ये देखने से पहले गाइस मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि कैसे आप सारे जो कट ऑफ्स है वो इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में गाइस मैंने आपको एक जो लिंक है वो दी हुई है बॉट की, उस लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आप व्हाट्सएप पे ओपन होगे, आई वांट टू नो एमएसटी सीईटी कट ऑफ, ये जो मैसेज है वो सेंड कर देना, आपको रिप्लाई आएगा। एंड फिर वहाँ पे ऑप्शन आएंगे एमएसटी सीईटी कट ऑफ 2022, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद गाइस आपको टॉप कॉलेजेस की एक जो लिस्ट है वो भी देखने को मिलेगी, साथ ही में कौन से राउंड का आपको कट ऑफ चाहिए उसके भी जो ऑप्शंस है वो मिल जाएंगे। अगर आप टॉप कॉलेजेस की लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे टॉप कॉलेजेस के जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो बेस्ट कॉलेजेस है उसके ही आपको सारे जो कट ऑफ है वो मिलेंगे, जैसे सीओईपी हो गया, वीजीटीआई हो गया, वालचंद हो गया। फिर इसके बाद अगर सारे कट ऑफ चाहिए तो एमएसटी सिटी राउंड वन पे आप क्लिक कर सकते हो। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको राउंड वन का पूरा जो एआई प्लस महाराष्ट्र के जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आपको कैप राउंड टू के भी कट ऑफ चाहिए तो एमएसटी सिटी राउंड टू पे क्लिक कर देना, तो वहाँ पे आपको कैप राउंड टू के जो कट ऑफ वो देखने को मिल जाएंगे। एंड पीडीएफ फॉर्म में है तो इजीली आप एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड के बटन पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है, डाउनलोड हो जाएगा एंड पूरे कट ऑफ्स का आप जो एक्सेस है वो कर सकते हो। तो इस बॉट का गाइस जरूर यूज करना कट ऑफ डाउनलोड करने के लिए, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इजीली आप पूरे से जो कट ऑफ्स है वो डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं कि क्या इस साल के जो कट ऑफ्स है वो बढ़ेंगे या फिर कम होंगे। तो ये जो चीज है वो कैसे समझ में आएगी, ये आपके मन में भी डाउट होगा तो ये मैं आपको बता देता हूं। तो कट ऑफ्स बढ़ेंगे या फिर कम होंगे गाइस ये हमें समझ में आता है जब फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज होती है। तब फाइनल मेरिट लिस्ट गाइस जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज होती है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ बढ़ेगा या फिर कम होगा, वो मैं एनालिसिस करके भी बताऊंगा। अब कैसे देखते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो गाइस ये है पिछले साल की फाइनल मेरिट लिस्ट, इसमें नंबर ऑफ सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि कैप राउंड्स में एलिजिबल होते हैं, तो उन सभी का आपको यहाँ पे जो परसेंटाइल है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे पिछले साल का आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जो 100 परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो चार थे, फिर उसके बाद 99 वाले परसेंटाइल वाले थे स्टूडेंट्स। अब देखते कि कैसे समझ में आएगा कि कम होंगे या फिर बढ़ेंगे। तो देखो गाइस इससे मैंने जो है वो कुछ डेटा निकाला है जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो पिछले साल जो है गाइस वो जो 100 परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो चार थे, ठीक है। इस साल भी इसके आसपास ही आपको जो नंबर है वो देखने को मिलेगा 100 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स का। इन स्टूडेंट्स को जो कॉलेज चाहिए जहाँ पे उंगली रख दो वहाँ पे उनको जो एडमिशन है वो मिल जाता है, क्योंकि इतना 100 परसेंटाइल जो कट ऑफ है वो नहीं जाता है, कहीं पर भी एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रेंज आती है गाइस 99 से लेके तो 99.99, ठीक है। तो ये रेंज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टॉप कॉलेजेस के लिए। अगर आपको सीओईपी का सीएस चाहिए, वीजीटीआई का सीएस चाहिए, तो आपका जो रेंज है वो इसमें लाई करना चाहिए। इसके बीच में अगर आपको परसेंटाइल है तो सीओईपी में सीएस हो गया, वीजीटीआई में सीएस हो गया, उसके मिलने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 99 से लेके तो 99.99 के बीच गाइस पिछले साल जो है वो 1600 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब इसमें भी गाइस 99.5 के ऊपर कितने स्टूडेंट्स थे एंड 99.5 के नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी मैटर करेगा, क्योंकि 99.5 के ऊपर अगर रहता है तो मैक्सिमम टाइम श्योर हो जाता है कि आपको बढ़िया से बढ़िया जो कॉलेज है, मतलब जो बेस्ट कॉलेज है, उसके मिलने के जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो पिछले साल इस रेंज में जो है वो 1600 जो स्टूडेंट्स हैं गाइज वो थे, एंड कुल मिला के अगर हम करते तो 1604 स्टूडेंट्स 99 से लेके तो 100 के बीच में थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइज रेंज 98 से लेके तो 98.99, यहाँ पे भी गाइज आपको टॉप 10 कॉलेजेस में सीएसआईटी इस परसेंटाइल पे जो है वो मिलने के चांसेस रहते हैं, सीएस नहीं तो आईटी या फिर एआईडीएस आपको जो है वो मिल सकता है, बेस्ट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे गाइज जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो थे 1868, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट्स जो है वो इस रेंज में लाई कर रहे थे, ठीक है। एंड अगर हम इन तीनों का टोटल करते हैं तो ऑलमोस्ट 3000 के आसपास जो है वो जाएगा, ठीक है। तो 3000 के ऊपर का अगर आपको रैंक रहता है तो आप टॉप 10 में सी एस आई टी ए आई डी एस ये सारी जो ब्रांचेस है वो मिलने के जो चांसेस है वो आपके रहेंगे। फिर है गाइज 97 से लेके तो 97.99, इसमें भी 1800 के आसपास जो स्टूडेंट्स है वो थे। एंड फिर 96 से लेके तो 96.99 देखते तो यहाँ पे भी गाइस 1900 के आसपास जो स्टूडेंट्स है वो थे पिछले साल, ठीक है। एंड अगर 95 से लेके तो 95.99 देखते हैं तो इसमें भी 1800 के आसपास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो थे, ठीक है। अगर आपको इस रेंज के ऊपर परसेंटाइल मिलते हैं, मतलब अगर आपको 95 के ऊपर परसेंटाइल मिलते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे गाइस कि आपको टॉप कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो मिल जाए। कहीं पे आपको सीएस मिल सकता है, कहीं पे आईटी मिल सकता है, कहीं पे आपको ईएनटीसी एंड ये सारी जो ब्रांचेस है वो भी मिल सकती है टॉप कॉलेजेस में, ठीक है।
अब ये कैसे समझ में आएगा कि इस साल का जो कट ऑफ है वो कम होगा या फिर बढ़ेगा? तो देखो गाइस, जब हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज होगी इस साल की, तो इस साल गाइस फिर हम कंपेयर करेंगे पिछले साल के मेरिट लिस्ट के साथ कि पिछले साल एंड इस साल में रेंज में जो है वो कितना फ़र्क है। जैसे पिछले साल 99 से लेके तो 99.99 के बीच में 1600 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो इस साल सपोज़ 99 से लेके तो 99.99 के बीच में अगर 1000 या फिर 1200 ही स्टूडेंट रहेंगे तो इस साल के कट ऑफ जो है वो आपको थोड़े से जो है वो कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। वही अगर ये जो नंबर है वो इस साल 1800-2000 के आसपास हमें देखने को मिलता है तो हो सकता है कि इस साल का हमें जो कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा भी देखने को मिल जाए, ठीक है। सेम यहाँ पे भी अप्लाई करता है, अगर 98 to 98.99 के रेंज में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस साल बहुत ज़्यादा रहते हैं तो फिर हमें थोड़े कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। वही अगर यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो अच्छे खासे कम देखने को मिलते हैं तो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो भी हमें कम होते हुए जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे गाइस हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पे जो कम परसेंटाइल है उनका भी ध्यान रखते हुए यहाँ पे कम परसेंटाइल में कितने स्टूडेंट्स थे वो भी डाला है, ठीक है। तो 90 से लेके तो 94.99 के बीच में जो है वो 9000 के आसपास जो स्टूडेंट है गाइस वो पिछले साल थे। 80 से लेके तो 89.99 के बीच में भी 9000 के आसपास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो थे। वही 80 से लेके तो 85 के आसपास जो है वो 90 से मतलब 9000 के आसपास ऑलमोस्ट लोग थे। एंड वही 70 से लेके तो 79.99 के बीच में जो है वो 16000 के आसपास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो थे। जितना नीचे जाओगे उतना ही नंबर आपको जो है वो फिर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस रेंज में भी आपको जो है वो अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बस आपको जो ऑप्शन फॉर्म है वो सही से करना पड़ता है। इस रेंज में भी आपको अच्छे कॉलेजेस में CS, IT, AI, DS ये सारी जो ब्रांचेस है वो मिल सकती है। इस रेंज में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है अगर आपको CS, IT ही चाहिए। वही अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए एंड ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो ये जो परसेंटाइल है ये भी बहुत बढ़िया हो जाता है, इसमें भी आपको एक अच्छा जो कॉलेज है वो मिल सकता है। ये मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि कब कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कब ब्रांच को करना चाहिए एंड कैसे अपना ऑप्शन फॉर्म भरना चाहिए आने वाली वीडियोज़ में। वो वीडियो जरूर से देखना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो होगी, ठीक है। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सेफ जो स्कोर है वो क्या हो सकता है टॉप के कॉलेजेस के लिए, टॉप कॉलेजेस मतलब एकदम बहुत बढ़िया। तो देखो गाइस, अगर आपका जो रैंक है वो 10,000 के मतलब अंदर आता है, 10,000 के अंदर है, सपोज 8,000 है, 7,000 है, 5,000 है, तो आपको मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि जो टॉप कॉलेजेस है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो ब्रांच है वो मिल जाए, ठीक है, अगर आपका टॉप 10,000 के अंदर रैंक आता है। वही अगर आपको एकदम टॉप COEP में CSE चाहिए तो फिर आपको एकदम सबसे बेस्ट जो परसेंटाइल है वो रहना चाहिए, मतलब इस रेंज में जो है वो आप रहने चाहिए, ठीक है। तो ये था गाइस ओवरऑल कंपैरिजन। अब देखेंगे इस साल की जो मेरिट लिस्ट है वो कैसी आती है एंड उससे हमें क्या समझ में आता है। अगर इस साल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है इस रेंज में ज़्यादा रहते हैं तो कट ऑफ्स बढ़ भी सकते हैं, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कम रहेंगे तो कट ऑफ्स कम भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि कट ऑफ्स कम होंगे तो देखो गाइस ये हमें मेरिट लिस्ट के बाद ही पता चलेगा, अभी हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं बताते हैं कि हमें इतने इतने परसेंटाइल है उसका जो नंबर है वो बहुत कम रहता है, एक्चुअल में नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो जब मेरिट लिस्ट आएगी मैं डिटेल में और वीडियो बनाऊंगा एंड इस डेटा को इस साल के डेटा से कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि कितना ओवरऑल जो कट ऑफ्स में डिफरेंस है वो आने वाला है, ठीक है। तो वो वीडियो जो है वो जरूर से देखना, साथ ही में काउंसलिंग के भी ऊपर काफी सारे वीडियोस आएंगे वो भी देखना, उससे भी आपको बहुत ज्यादा जो हेल्प है वो होगी। साथ ही में कट ऑफ डाउनलोड करने के लिए गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको बॉट की लिंक मिल जाएगी, क्लिक करो एंड सारे जो कट ऑफ है वो डाउनलोड कर लो ताकि आपको सभी कॉलेजेस के स्पेसिफिक जो कट ऑफ है वो पता चल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहें।